हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे रियलमी C2 के न्यू अपडेट के बारे में। तो फाइनली गाइस, रियलमी C2 के लिए द मोस्ट इंपोर्टेंट अवेटेड अपडेट रियलमी की तरफ से रोल आउट कर दिया गया है। एंड इस अपडेट के एंड का वर्जन है 8.17। काफ़ी सारे न्यू फीचर्स आपको इस अपडेट में मिल जाते हैं। सितंबर 2019 का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच लेवल इस अपडेट में आपको मिल जाता है। नोटिफिकेशन पैनल का जो डिज़ाइन है, जो आइकन्स है, उनका डिज़ाइन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चेंज कर दिया गया है। सेटिंग्स में डिजिटल वेलबींग का फीचर, हॉटस्पॉट वाईफाई से रिलेटेड कुछ हिडन सेटिंग्स यहां पर इस अपडेट में प्रोवाइड की गई है। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे रियलमी C2 के इस अपडेट के कुछ टॉप 10 न्यू फीचर्स के बारे में। एंड जिन यूजर्स को ये अपडेट अभी तक नहीं मिला है, तो उनको ये अपडेट कब तक मिल जाएगा? तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक आप देखते रहिए और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि रियलमी के किसी भी डिवाइस में कोई भी न्यू अपडेट आए तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो यहाँ पर गाइस, आप देख सकते हैं Realme C2 के लिए फाइनली सितंबर का अपडेट रोल आउट कर दिया गया है। इस अपडेट का फुल वर्जन है RMX1941EX_11.8.17। तो 8.17 आपको ये अपडेट रोल आउट कर दिया गया है। सबसे पहला चेंज आपको मिलेगा एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल में, जो कि सितंबर 2019 का लेटेस्ट यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, जो कि यार काफ़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट यहाँ पर ऐड किया गया है सिस्टम में चेंजेस, एडिट द मैनुअल लॉक फीचर बाय लॉन्ग प्रेस द पावर बटन। तो दोस्तों, जैसे आप पावर बटन को लॉन्ग यहाँ पर प्रेस करके रखोगे तो ऊपर आपको सिक्योर लॉक का फीचर मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सिक्योर लॉक आप देख सकते हैं, ये चेंज आपको मिल जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस, जो आपके डिवाइस का फेस अनलॉक है, एक बार के लिए काम नहीं करेगा। आपको अपने पिन या फिर पासवर्ड से ही आपके डिवाइस को ओपन करना पड़ेगा। तो अगर आप नहीं चाहते कि कोई आपका डिवाइस आपके फेस अनलॉक की हेल्प से अनलॉक कर दे, तो आप इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट चेंज यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, मैनुअल लिमिट द नेटवर्क स्पीड ऑफ हॉटस्पॉट कनेक्टेड डिवाइस। नेक्स्ट है डिस्प्ले द डाटा कंज्यूम्ड बाय कनेक्टेड डिवाइसेज, कस्टमाइजेबल डाटा कंज्यूम्ड रिमाइंडर। तो दोस्तों, सेटिंग्स में आपको आ जाना है, अदर वायरलेस कनेक्शंस में आपको पर्सनल हॉटस्पॉट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर गाइस, कनेक्शन मैनेजमेंट में आपको काफ़ी सारे ऑप्शन प्रोवाइड कर दिए गए हैं। मैक्सिमम कनेक्टेड डिवाइसेस, मतलब कितने डिवाइसेस आपके हॉटस्पॉट से कनेक्ट होने चाहिए, वो भी आप मैनुअली सेट यहाँ पर कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको डाटा रेस्ट्रिक्शन का भी ऑप्शन मिल जाता है, मतलब जिन जिन लोगों ने आपके डिवाइस से, हॉटस्पॉट से अपने डिवाइस के वाईफाई को कनेक्ट किया है, तो आप कितना डाटा उनसे शेयर करना चाहते हैं, 200 MB, 500 MB, 1 GB, 5 GB, तो आप यहां पर उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। स्पीड आप कितनी रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं, 50 KB, 100 KB, तो आप यहां पर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। नेक्स्ट चेंज गाइस आपको मिल जाता है सेटिंग्स के अंदर, डिजिटल वेलबिंग एंड पेरेंटल कंट्रोल का फीचर। तो ये एंड्रॉइड पाई का फीचर था, जो कि रियलमी 5 सीरीज एंड रियलमी की X सीरीज में आपको पहले से ही देखने को मिलता है, लेकिन अभी रियलमी के पुराने डिवाइसेस में भी इस फीचर को प्रोवाइड कर दिया गया है। तो यहाँ पर किस एप्लीकेशन को आपने कितने टाइम के लिए यूज़ किया है, सारी डिटेल्स ये आपको बता देगा। एंड गाइस, यहाँ पर स्क्रीन टाइम का फीचर भी आपको मिल जाता है कि कितने टाइम के लिए आपने किस एप्लीकेशन को यूज़ किया है। एंड यहाँ पर आप पेरेंटल रेस्ट्रिक्शंस भी लगा सकते हैं, अगर आपके घर में ज़्यादा चिल्ड्रन है तो किस किस एप्लीकेशन को आप यूज़ करना चाहते हैं, तो वो भी आप रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पर लगा सकते हैं। गाइस, नेक्स्ट हम डायरेक्ट बात करते हैं नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार के चेंजेस के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन सेंटर एंड स्टेटस बार में चेंजेस कर दिए गए हैं, रीडिजाइंड द नोटिफिकेशन सेंटर स्टाइल। तो गाइस, आप देख सकते हैं जो भी नोटिफिकेशन बार है, स्टेटस बार है, उसका डिज़ाइन पूरा चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड देखने को मिल जाता है। एंड गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं वाईफाई, मोबाइल डाटा, म्यूट, ब्लूटूथ, जो भी आइकन्स हैं सभी आपको सर्कल बॉक्स में मिल जाते हैं। पहले आपको कुछ स्क्वेयर बॉक्स में ये आइकन्स मिलते थे, लेकिन अभी जो इनका डिज़ाइन है वो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। एंड दोस्तों, नेक्स्ट चेंज यहाँ पर कर दिया गया है, स्वाइप लेफ्ट और राइट टू रिमूव द मैसेज प्रॉम्प्ट आफ्टर रिसीविंग द मैसेज। तो दोस्तों, पहले क्या होता था, अगर कोई भी मैसेज आता था या फिर किसी भी एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन अगर आ जाता था, तो आप उसे लेफ्ट या राइट स्वाइप करके रिमूव नहीं कर सकते थे। कुछ सेकंड्स के लिए आपको वेट करना पड़ता था, एंड गाइस उसी के बाद आप उसे रिमूव कर पाते थे। लेकिन दोस्तों, इस अपडेट के करने के बाद आप डायरेक्ट उसे लेफ्ट राइट स्वाइप करके रिमूव आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पर लॉन्चर में कुछ चेंजेस किए गए हैं, ऑप्टिमाइज लॉक स्क्रीन क्लॉक विजिट डिज़ाइन। तो दोस्तों, लॉक स्क्रीन का जो क्लॉक है उसको यहाँ पर ऑप्टिमाइज किया गया है, थोड़े बहुत चेंजेस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड गाइस, नेक्स्ट आपको मिल जाता है एडिट डाटा एंड वेदर विजिट। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना है होम स्क्रीन पर। एंड दोस्तों, यहाँ पर आपको विजिट्स का ऑप्शन मिल जाता है, फर्स्ट यहाँ पर नया विजिट ऐड कर दिया गया है डेट एंड वेदर का। तो यहाँ पर अभी जो वेदर है एंड जो डेट है वो आपको एक साथ दिखाएगा, तो इसको यहाँ पर ऐड कर दिया गया है।
गाइज नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्टिमाइज स्मार्ट असिस्टेंट इंटरफेस। तो दोस्तों जो स्मार्ट असिस्टेंट का जो इंटरफेस है इसको यहाँ पर थोड़ा इम्प्रूव किया गया है। इस अपडेट के करने के बाद थोड़े बहुत चेंजेस यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे। एंड जो स्टेटस बार का जो डिज़ाइन है इसमें भी आपको थोड़े बहुत जरूर से चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। गाइस अगर बात करूँ कैमरा के बारे में तो कैमरा में कुछ खास ज़्यादा न्यू चेंजेस प्रोवाइड नहीं किए गए हैं। तो दोस्तों इस अपडेट के साथ आपको ये सारे फीचर्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं। डार्क मोड का फीचर अगर मैं बात करूँ तो डार्क मोड का फीचर अभी तक रियलमी सी टू में देखने को नहीं मिला है। रियलमी की तरफ से बताया गया है कि नवंबर एंड तक या फिर दिसंबर के मंथ में रियलमी के पुराने डिवाइसेज में आपको डार्क मोड का फीचर भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और दोस्तों अगर बात करी जाए कि जिन यूजर्स को ये अपडेट अभी तक नहीं मिला है तो उनको ये अपडेट कब तक मिल जाएगा, तो गाइज ये अपडेट अभी तक कुछ ही सिलेक्टेड यूजर्स के लिए टेस्टिंग के लिए रोल आउट किया गया है। तो 1 वीक का आपको वेट करना पड़ेगा, तो 7-8 दिन आप वेट कर लीजिए, जल्दी आपको रियलमी C2 में सभी को ये अपडेट ऑटोमेटिकली रोल आउट कर दिया जाएगा। एंड अगर आप वेट नहीं करना चाहते तो इस अपडेट की डाउनलोड लिंक्स मैं आपको 1-2 दिन में वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप अपने डिवाइस को अपडेट कर सकते हैं, कोई आपका डाटा इरेज नहीं होगा। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एंड आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि किस किस को अभी तक ये अपडेट मिला है। तो दोस्तों आज के वीडियो में के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग आज का वीडियो देखने के लिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत एंड टेक केयर।